हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लेकर आए हैं आज एक नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स एक बहुत ही कॉमन और बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका यूज़ अपने डेली लाइफ के अंदर मोस्टली स्पोकन इंग्लिश के अंदर किया जाता है। ठीक है, मॉडल्स के बारे में आप लोगों ने कुछ वर्ड सुने होंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में आज अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स एक तरह से हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं सेंटेंस के अंदर, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मूड शोइंग वर्ब। यानी कि किसी पर्सन के का जो मूड शो करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें मूड शोइंग वर्ड्स या फिर मॉडल्स कहा जाता है। मॉडल्स का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। एक होल हेल्पिंग वर्ब होती है जिससे, उसी तरह मॉडल्स जो होते हैं वो सारे भी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर काउंट होते हैं। मैंने एक टेबल बनाई है जो सारे एक मॉडल्स की टेबल है। ये दो फॉर्म में होता है, पॉजिटिव फॉर्म में भी होता है और ये नेगेटिव फॉर्म में भी होता है, ठीक है ना। तो आपको इस टेबल को अच्छे से लर्न करनी है। टोटल 13 मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और उनको नेगेटिव भी लिखा जा सकता है। तो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। सीरियल नंबर 1 से 13 तक फर्स्ट मॉडल आप देख पा रहे होंगे, इसका नेम है कैन। इसका नेगेटिव हो जाता है कांट, कैन नॉट कहो या कांट कहो। सेकंड होता है कुड, जिसका कुडंट हो जाता है। मे का मेंट हो जाता है। माइट का माइटेंट हो जाता है। मस्ट का मसंट हो जाता है। विल का वॉन्ट होता है। शेल का शांट होता है। वुड का वुडंट। शुड जो है वो शुडंट में चेंज होता है। यूज टू का यूज नॉट टू। नीड टू का नीड नॉट टू। ओट टू का ओट नॉट टू। और डेयर का डेयर टू का डेयर नॉट टू। तो इस तरह से अपने को अल्टीमेटली ये 13 मॉडल्स जो बेसिक हैं इसके बारे में स्टडी करनी है। तो इनका यूज़ किस तरह से करना है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन के अंदर कौन से मॉडल का यूज़ किया जाता है। मॉडल्स डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं और इनका यूज़ करने से आपका जो सेंटेंस है वो इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपना जो पहला मॉडल है जिसका नेम है कैन। तो कैन के लिए अपने को क्या बात याद रखनी है, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि इन कंडीशंस के अंदर कैन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट में लिखा है कि इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट, यानी कि इसका यूज़ ये रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। क्या क्या बातें रिप्रेजेंट होती है कैन से? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, क्लेवरनेस, स्ट्रेंथ, इन प्रेजेंट। ये सारी बातें जो पढ़ी अपन ने, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस, ये सारी बातें अगर किसी प्रेजेंट के सेंटेंस में अगर अपने को मिले तो उस कंडीशन में अपने को मॉडल के तौर पर कैन का यूज़ करना अच्छा रहता है। सेकंड नंबर पे आता है कि कभी कभी क्या होता है कि अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें अपने को किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के बारे में पता लगाना हो। क्वेश्चन पूछने का तरीका है सेंटेंस क्वेश्चन वाला होगा, लेकिन उसके अंदर पॉसिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया हो किसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए, तो उस कंडीशन में भी वो सेंटेंस जो है वो कैन से स्टार्ट करना है, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वाला है, तो स्टार्टिंग अपने को कैन से करनी होगी। तो सेकंड पॉइंट वही है, आस्किंग क्वेश्चन टू नो पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के अंदर किसी चीज़ के लिए की पॉसिबिलिटी जानने के लिए जब क्वेश्चन किया जाता है तो उस कंडीशन में भी कैन का यूज़ होता है। एक कैन का यूज़ और होता है कि फॉर्मल परमिशन। परमिशन दो तरह की होती है, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, ठीक है ना। फॉर्मल से बनता है फॉर्मलिटी, ठीक है। जिस तरह से सपोज ऐसा कोई बंदा है जो फर्स्ट टाइम अपने स्कूल के अंदर एंट्री कर रहा है, ठीक है, जब वो परमिशन मांगेगा तो वो क्या करेगा, वो फॉर्मल परमिशन लेगा, क्योंकि वो पहली बार आया है, वो अपने साथ फेमिलियर नहीं है, वो अनफॉर्मल नहीं है अपने साथ, उसको फॉर्मलिटी करनी होगी क्योंकि ये रूल्स होता है। इसलिए वो जब परमिशन लेगा तो वो कैन से परमिशन लेगा। सपोज़ आप लोगों ने अक्सर सुना होगा क्लास के अंदर एंट्री करते वक्त आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो इनफॉर्मल परमिशंस होती है वो मे में आती है, जबकि फॉर्मल परमिशंस अगर अपने को लेनी हो तो अपने को कैन से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर वही बात है, वो बोलेगा कैन आई कम इन सर, ठीक है ना। उसी तरह एक और पॉइंट है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। कभी कभी किसी चीज़ की संभावना जानने के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। संभावना जानने के लिए मे का यूज़ भी होता है, माइट का भी होता है, मस्ट का भी होता है, लेकिन कैन का यूज़ भी पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से अपने को कैन के बारे में ये 3-4 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ये माइंड में रखने हैं। इसी के बेसिस पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं ताकि आपको कैन का यूज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिखा है और साथ साथ आंसर भी लिख दिए मैंने, क्योंकि अपन ने कैन ही पढ़ा है तो सभी में आंसर कैन से रिलेटेड ही आएगा।
ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में आपको आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए जो उनकी आइडेंटिटी है वो ज़रूर मिलेगी। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है, आई फिल इन द ब्लैंक लर्न इंग्लिश, ब्रैकेट में लिख दिया एबिलिटी। एबिलिटी के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं, इसलिए सेंटेंस हो जाएगा आई कैन लर्न इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, मुझे इंग्लिश सीखने की मेरे अंदर एबिलिटी है। उसी तरह अगला है ए डम्ब, यानी कि जो बोल नहीं सकता उसको डम्ब बोलते हैं, गूंगा। ए डम्ब फिल इन द ब्लैंक स्पीक, अब गूंगा व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता है, इसलिए क्या लिखा अपन ने, ए डम्ब कैन नॉट स्पीक या ए डम्ब कांट स्पीक। और इसमें लिख रखा है अपन ने, है तो कैपेसिटी, लेकिन कैपेसिटी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब कभी भी सेंटेंस में लेक वर्ड आए, या फिर यूँ कह सकते हो आपकी लेक के साथ कभी कभी कुछ वर्ड और भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, वो अभी आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ए डम्ब कांट स्पीक, यानी कि लेक ऑफ कैपेसिटी। फिर है ही फिल इन द ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स, और पावर लिखा हुआ है, यानी कि उसके अंदर बॉक्स को उठाने की क्या है, पावर, यानी वो बॉक्स को उठा सकता है, तो ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अगला सेंटेंस है, शी कैन सिंग एंड डांस, वो डांस भी कर सकती है और गाना भी गा सकती है, ये उसकी एबिलिटी है। और लास्ट वन जो मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन पूछा गया है पॉसिबिलिटी जानने के लिए। क्या क्वेश्चन है कि कैन अ क्रो बी वाइट, क्या ये कौवा सफ़ेद हो सकता है, ये आपके प्रोबेबिलिटी, आपकी संभावना जानने की, क्या कौवा सफ़ेद हो सकता है। नॉर्मली कौवा सफ़ेद होता नहीं है, लेकिन रेयरली कभी कभी आपने देखा होगा कि सफ़ेद कौवे भी अपने को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये मॉडल, जो नया टॉपिक आज अपन ने स्टार्ट किया है, इसका फर्स्ट वीडियो था जिसके बारे में अपन कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, और फर्स्ट मॉडल जो कैन है उस कैन का यूज़ किस तरह से करना है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। अगले वीडियो के अंदर अपन रिमेनिंग जो दूसरे मॉडल्स हैं इस उनका वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।